यूपी के हाथरस विखे 19 साल लड़की ना समूहक जबर जहान की घटना के रोस वजो बिलगा के कांग्रेसी वर्कर सरपंच सुखबीर सिंह भारूवाल जूस कांग्रेस जलंधर देहाती रोहित शर्मा चौधरी नवतेज सिंह भुपिंदर शर्मा इकट्ठे होकर कैंडल मार्च कढ़िया गया। सरपंच भारूवाल ते रोहित शर्मा ने कहा कि यूपी हाथरस विच जो होया किसी कोलों लुकया नहीं है, दुष्कर्म करने वालियां नूं किसी भी कीमत ते बख्शा नहीं जाना, उन्हां नूं सख्त तो सख्त सजा दित्ती जावे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित समाज नाल खड़ी है ते हमेशा खड़ी रहेगी। इस शर्मनाक घटना की जोरदार शब्दों में निखेधी की गई। इस मौके पर चौधरी नवतेज सिंह पंजाबी गायक जो खान ओम प्रकाश पराशर और भुपिंदर शर्मा ने आए हुए पार्टी वर्करों का धन्यवाद किया। मोदी सरकार ते जोगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लाए गए। बिलगा तो विनोद बत्रा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं सरपंच पिंड भड़ूवाल तो मैं उन्होंने सारे वीरां दा धन्नवाद करदा जो कि अज मेरे एक सद्दे ते इत्थे बिलगे विच मौजूद होए ने। तो मैं कांग्रेस पार्टी वालों ये एक उपराला किया सीगा तां जो कि साडी भैण यूपी विच जिस उत्ते अत्याचार होया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने वास्ते, क्योंकि मोदी सरकार जो अत्याचार कर रही है, जो योगी सरकार अत्याचार कर रही है, आप सबनों पता है कि उसका हाल की किया है, किस तरह उसनों मारिया, मारन तो बाद किस तरह उसनों अद्धी रात में दफनाया गया है। मैं मोदी सरकार को पूछना चाहता कि तुसी एक रात में नोट तो बदल सकते हो कि एक रात में उन्होंने चौहान को फांसी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? एक रात में उन्होंने फांसी दो ता जो सानू भी इंसाफ मिल सके, साडी भैण नूं इंसाफ मिल सके। जो भी होया है सरासर गलत होया है, जो भी मोदी इस टाइम कानून पास कर रहा है वो सरासर गलत कर रहा है, असं उसके खिलाफ हाँ। तो यह संघर्ष जो उन्होंने नहीं इंसाफ मिलता तो यह संघर्ष इस तरह ही चालू रहेगा। तो मैं इसे आप सब का इतने आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना। थैंक यू। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सब तो पहला तो मैं ते सारे इतने आने का दिलों धन्यवाद करदा। तो अज असी इस विषय से इतने इकट्ठे हुए हैं कि जिहड़ी कि तुहानूं सारयां नूं पता ही आ, यूपी दे विच 19 साल लड़की मनीषा जिहदा पहला रेप किया, उहदी 3 जगह तो ढूई तोड़ दित्ती, गला तोड़ दित्ता, जीभ कट दित्ती। इत्थों ही समाप्त नहीं होया, कुड़ी दी मौत होण तों बाद रेप किया, उहदे मौत होण तों बाद विच उहदी जिहड़ी बॉडी सी उहनूं उहनां दी फैमिली तों बिना ही बिना परमिशन तों उन्होंने संस्कार कर दिता, जिहड़ी कि बहुत ही माड़ी घटना कह सकते हैं। ज आप घटना हुई है यूपी दे विच, यूपी दे विच सीएम ने जोगी आदित्यनाथ जोगी जिहड़ा कि हिंदू परिवार नाल रिलेटड ने, हिंदूवाद दीआं गल्लां करदे ने, बट उन्होंने ये नहीं पता कि हिंदू धर्म दे विच कि किसी भी इंसान का संस्कार रात को नहीं किया जाता, जिहड़ा कि बहुत धक्के नाल बहुत गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक हिटलर वाली राजनीति दिख रही है जो कि मोदी सरकार द्वारा योगी सरकार द्वारा दिख रही है। इतों तक कि असं ये भी देखते हैं कि एक छोटी घटना नहीं सी, जिथे कि आप योगी सरकार की देखते हैं डे बाय डे ट्वीट करते हैं, ट्वीट के असं उन्होंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया कि इस घटना पीएम साहब ने कड़ी सख्त कार्रवाई करने लिए कहा है, जबकि सीएम होने के नाते एक छोटी जी घटना आ तो उसनू सज़ा जां एफआईआर कर सकते हैं। एक पीएम जिहड़ा कि इस दिले बोल रहा है कि तुहाडे कोल इन्नी पावर भी नहीं है कि सीएम होने के नाते तुसीं इस घटना कर सको कवर, पर इस करके असीं अज बिलगे दे विच इकट्ठे होए हैं, यूथ कांग्रेस अते होर सारा बिलगा समूह कांग्रेस कमेटी सारे इकट्ठे होए ने। तो मेरे सीनियर आगू पिंदा जी, नवतेज जी, यूथ आगू सारे इकट्ठे होए ने। तो अज असीं ते कैंडल मार्च किया आ कि लोगों के बहुत उत्साह देखने को मिलया कि बहुत ज़्यादा रोस सी जिन्हां दा, बहुत ज़्यादा माड़ी घटना के करके लोग तुसी हजारों की गिनती दे विच भी देख सकते हैं, सैकड़ों की गिनती दे विच हर जगह इकट्ठे हुए हैं। तो अज बिलगे दे विच तुसी रोस देखने को मिलया है कि अज असीं इकट्ठे हुए हैं तो रोस मार्च किया है। तो इस दे असीं अपील करते हैं मोदी सरकार नूं, योगी सरकार नूं कि उन्हां जिन्हां ने यह घटना काम किया है, बहुत दुष्कर्म किया है, तो उन्होंने फांसी होनी चाहिए है, असीं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं। अच्छा, अज देश दे विच यूपी दे विच जिथे कि मोदी जी की आशीर्वाद वाली सरकार योगी की सरकार है, उत्थे 19 साल बेटी दलित बेटी जिहदे नाल अत्याचार होया, जिहदे नाल बलात्कार होया, बलात्कार करन तो बाद उहदी रीढ़ की हड्डी तोड़ दित्ती गई, रीढ़ की हड्डी तोड़न तो बाद वो अपने बयान ना दे सके, बोल ना सके और अपना दर्द ना किसी नूं सुना सके, उहदी जीभ भी कट दित्ती गई। उन्हां दरिंदियां दी दरिंदे कानूनी और हिरासत तो बाहर तुरे फिरते हैं,
और मोदी सरकार का उन्होंने पूरा आशीर्वाद हैगा आ। असी कांग्रेस पार्टी के जोड़े साढ़े राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी जो उन्होंने घर अफसोस प्रगट कर ले जाते या हमदर्दी लिए आते उन्होंने नाल बहुत मंदभागी घटना उस प्रशासन ने यूपी प्रशासन ने की उन्होंने नाल कुटमार की गई उन्होंने रोकया गया। बहुत ही माड़ा जिहड़ा हैगा राज आ इस राज की असी निंदा करते हैं और मैं असी सारे इत्थे साथी जिहड़े हैगे आ यूथ कांग्रेस रोहित शर्मा जी की अगवाई दे विच साढ़े निक्का भारूवाल सरपंच साहब और असी कांग्रेस कमेटी बिलगा भुपिंदर शर्मा जी सारे जिहड़े साडे साथी हैगे आ इन्हां ने प्रोग्राम लिखिया भी दलित जिहड़ा भाईचारा हैगा आ उहदे नाल अत्याचार क्यों देश की आज़ादी तो बाद हाले तक भी इन्ने साल आज़ादी हो गया दलित भाईचारा बहुत तगड़िया तगड़िया पोस्टों पर बैठा आ पर यूपी वाली जिहड़ी सरकार हैगी आ किन्ने प्रोग्राम उत्थे इदां दे हो चुके आ दलितां ते अत्याचार करदे आ और असी इस गल दी भी मंग करदे आ भी जिस तरह पिछे जिहा भी एक कम होया सी और उन्होंने मुंडे जिहड़े चार बंदे सीगे एनकाउंटर किया मैं इस गल की भी असं कांग्रेस पार्टी वालों मांग करते हैं यहो जे बंद कानून के चाहे वह साड़ी पार्टी के एम पी हो जे भी होना कानून बना चाहिए आ हिंदुस्तान के जोड़ा कोई इदा का बलात्कार करता है किसी धी भैन माड़ी घटना करता आ उस बंद दो चार दिन के मैं तो कहूँगा भी 24 घंटे के उस तो भी भारी सज़ा देनी चाहिए आ जिदा कि अरब कंट्रिया के सऊदी अरब वगैरह के देंगे फाहे डंग देना चाहिए जोड़ा कि अत्याचार ना हो मैं अज असी बिलगे के इस अत्याचार के खिलाफ यूथ कांग्रेस वालों कांग्रेस भाई बिलगा वालों असी कैंडल मार्च एक कढ़िया आ उस कैंडल मार्च के साड़िया बीबिया भैन जड़िया है बिलगे दियाँ भारी गिणती शामिल हुई विशेष तौर पर साडा यूथ कांग्रेस जी है साढ़े साथी नेड़े तेड़े पिंडों तो भी आए हैं बिलगे जो आए हैं वह सारे शामिल होए आ बहुत ही मंदभागी घटना के लिए इस करके मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और यकीन दवाना आ कांग्रेस पार्टी हमेशा पहला भी अत्याचार के खिलाफ और दलितों के खिलाफ जोड़े अत्याचार करते हैं वो खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी आ खड़ी आई आ और खड़ी रहेगी इन्हों शब्दों के नाल मैं यूथ कांग्रेस के नौजवानों का और सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जय हिंद वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो और सबसक्राइब करन वेले बैल आइकन वाला बटन दबाना ना भुलो ताकि तुहानू हर खबर मिल सके सब तो पहला।